नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का कालांश आपका कक्षा सप्तमी और आज हम अध्ययन करेंगे पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन गुणों के बारे में। तो नंबर एक पर जो आपका गुणधर्म आता है वो है योग के अंतर्गत संवृत। अब ये संवर्त गुणधर्म क्या होता है, हम बात सिर्फ पूर्णांकों की कर रहे हैं। तो पूर्णांकों का समुच्चय आपको पता होगा, अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ता हूँ, जैसे मैंने 1 + 2 किया तो मुझे एक संख्या मिली 3, तो ये भी पूर्णांक है। इसी तरह अगर मैं एक संख्या ए और बी को जोड़ता हूँ और मुझे एक नई संख्या सी मिलती है तो सी भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं संवर्त गुणधर्म का पालन कर रही होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका योग के अंतर्गत संवर्त गुणधर्म था। अब बात करते हैं घटाव के लिए। घटाव में क्या होगा कि जैसे दो संख्याएं हैं, एक संख्या 7 लिखी मैंने और उसमें से मैंने 9 को घटा दिया तो मुझे उत्तर कितना मिला, -2 मुझे उत्तर मिला, ऋणात्मक 2 मुझे इसका उत्तर मिलता है। तो ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि जब हम घटाव करते हैं तो भी हमें पूर्णांक मिलता है किसी भी दो पूर्णांकों का, और किन्हीं भी दो पूर्णांकों का यदि हम योग करते हैं तो भी हमें एक पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब ये संवर्त गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले गुणधर्म यानी गुणधर्म नंबर 2, क्रम विनिमेयता। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्रम विनिमेयता गुणधर्म की। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, 2 + 3 बराबर क्या आया, 5 आया। ठीक है विद्यार्थियों, समझना इस बात को आप। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और उत्तर हमारे पास आता है सी। ठीक है, अब मैं इसको 3 + 2 करता हूँ तो भी मुझे उत्तर कितना मिलता है, मुझे उत्तर फिर भी 5 मिलता है ना। ये देखिए उत्तर अभी भी मुझे कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। यानी क्रम विनिमेयता से तात्पर्य ये है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन यहाँ हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये तो था योग के लिए, अब हम बात करेंगे घटाव के लिए। क्या घटाव के लिए भी ये क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन होता है। मैं लिखता हूँ 2 - 3 तो उत्तर मेरे पास आता है -1, और मैं अगर 3 - 2 लिखता हूँ तो मुझे उत्तर मिलता है +1। तो ये और ये -1 + 1 दोनों बराबर नहीं होते। ठीक इसी प्रकार a - b बराबर नहीं होता है किसके, b - a के। इससे हम क्या समझे, इससे हमें ये पता लगा कि घटाव के लिए कर्म विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं होता है, सिर्फ योग के लिए कर्म विनिमेयता गुणधर्म का पालन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले गुणधर्म की, और वो गुणधर्म हमारे पास है सहचर्य। ये क्या है, सहचर्य गुण क्या है। देखो इसके अंदर ये है कि अगर एक संख्या ए है उसमें हमने ये किया b + c, और उसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट का आदान प्रदान हमने किया है, पहली बार ब्रैकेट इन दोनों पर लगा, दूसरे में ब्रैकेट इन दोनों पर लगा। ठीक है, तो सहचारी गुणधर्म के लिए एक संख्या मैं लिखता हूँ, जैसे 2 + 3 + 4 मैंने लिख दिया तो उत्तर कितना आया मेरे पास, 2 + 7 = 9 आया। ठीक है, इसको देखो आप, ये मैंने इसके लिए इसको किया है। अब मैं इसके लिए इसको सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 + 3 + 4, उत्तर अभी भी मेरे पास कितना आया, 9। यानी
योग के लिए सहचारी गुणधर्म का भी पालन होता है, और इसका सूत्र या फॉर्मूला या स्टेटमेंट आप जिसको कथन बोलते हो वो आपका ये बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले गुणधर्म की, और वो है योज्य तत्समक। अब ये क्या होता है योज्य तत्समक, क्या है भाई? किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए, किसी भी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि हमें उत्तर शून्य मिल जाए। हम उसमें क्या जोड़ें? एक मानो कि एक संख्या आठ है, इस आठ में मैं क्या जोड़ूं, यानी मैं इस आठ में माइनस आठ को जोड़ूं तो मुझे शून्य मिलेगा। योज्य तत्समक किसी भी संख्या का शून्य होता है। योज्य तत्समक हमें ये चाहिए होता है, जैसे एक संख्या मैंने लिख दी माइनस का पाँच, माइनस के पाँच में आप क्या जोड़ो, माइनस के पाँच में मुझे प्लस का पाँच जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका जो कथन बनता है वो ये इस प्रकार से बनेगा, ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए। ठीक है, यानी आप ए कोई संख्या है उसके अंदर, ए कोई संख्या है उसमें हमने शून्य जोड़ा तो भी हमें ए मिला, और फिर शून्य में हमने ए जोड़ा तो भी हमें ए ही मिला। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सारे के सारे आपके गुणधर्म थे। ठीक है, अब गृह कार्य के लिए आप देखिए पेज नंबर आपका 9, और एक बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। तो ये आपको करना है गृह कार्य में। ठीक है, और इसके साथ साथ उदाहरण नंबर 1 करना है आपको गृह कार्य में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा था प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, अर्थात उसका इंट्रोडक्शन हमने सीखा। संवर्त गुणधर्म योग व व्यकलन के लिए हमने सीखा, कर्म विनिमयता गुणधर्म योग व व्यकलन के लिए हमने सहचारी गुणधर्म सीखा। ठीक है, और हमने योज्य तत्समक सीखा, और कुछ मैंने आपको प्रश्न दिए हैं गृह कार्य के रूप में करने के लिए। पेज नंबर 9 प्रयास कीजिए वाला बॉक्स आपको करना है, और इसी के साथ साथ उदाहरण नंबर 1 भी आपको कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अब अगली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के साथ।